अब चलिए एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। राजनीति में जिंदा दिल लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें से एक है नरेंद्र मोदी। ये कहना है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन का। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में नरहरि अमीन बता रहे हैं कि मोदी जी सोशल फंक्शंस में पक्ष विपक्ष को दूर रखकर सबके साथ घुल मिल जाते हैं। आप भी सुनिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानी, खुद नरहरि अमीन की जुबानी। नरेंद्र भाई का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके जैसा मैंने जिंदा दिल आदमी नहीं देखा है। मैं कांग्रेस में था, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम विरोध पक्ष में थे, कभी सत्ता पे थे कभी विरोध पक्ष में थे। तब हमारा आमना सामना मीठा भी होता था और थोड़ा कड़वा भी होता था, लेकिन वो जिंदा दिल आदमी थे। एक दफ़ा जब पर्सनल मिलने का होता है तो उनके जैसा रिलेशन रखने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मैं दो घटना आपको बताता हूँ। मैं गुजरात में कांग्रेस से एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मेरे बड़े भाई प्रवीण भाई और दूसरे भाई है घनश्याम भाई अमीन, जो सहकारी आगेवान है वो NCOI के चेयरमैन थे। दोनों भाई की जन्मदिन के प्रसंग पर हमने एक पार्टी रखी थी मेरे फार्म पे, तो मैं और मेरे बड़े भाई उनको इनवाइट करने के लिए गए। वो टाइम नरेंद्र भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। दोनों फंक्शन में हमारे वहाँ आए और एक एक घंटा वहाँ बैठे सबके साथ, और 80% जो फंक्शन में थे वो सब कांग्रेस वाले थे। गवर्नर भी कांग्रेस की वहाँ पर आई हुई थी, सरकार भाजप की थी, मुख्यमंत्री मोदी साहब थे, लेकिन सबके साथ वहाँ जब भी सोशल फंक्शन में जाते थे नो पॉलिटिक्स, और सबके साथ इतना रिलेशन रखते थे सबको लगे कि भाई पारिवारिक संबंध है। तो ऐसा ही जिंदा दिल आदमी पॉलिटिक्स में बहुत कम होते हैं कि भाई ओपोजिशन और पार्टी जब भी पॉलिटिकल लड़ाई होती है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल संजोगों में जब मिलते हैं तो पारिवारिक संबंध रखने वाले नरेंद्र भाई मोदी थे। मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो 2000 में मैं कांग्रेस का MLA था, तो असेंबली में मैंने एजुकेशन पर ऑपोजिशन का जो बजट रखने का होता है जो चेंजेस सुधारा करने के लिए, तो वो मैंने रखा था। कम से कम मैं 50 मिनट बोला था। मेरा प्रवचन ख़त्म होने के बाद उन्होंने मेरे को चिट्ठी लिखी कि नरेंद्र जी तुमने एक्सलेंट प्रवचन दिया, आपने सरकार की फेवर की भी बात अच्छी थी, वो पॉजिटिव बोला। कम लोग बोलते हैं, नेगेटिव तो सब बोलते हैं, लेकिन जो आनंदीबेन वो टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो आनंदीबेन के टाइम में हमारे गुजरात में प्राइमरी के बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो ड्रॉप आउट रेशियो उन्होंने 1.5% कर दिया। जब 93 में मैं खुद एजुकेशन मिनिस्टर था तब 22% ड्रॉप आउट रेशियो था। साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक साल में पहले स्टैंडर्ड में बच्चे दाखिल होते थे, तो दूसरे साल में 22% बच्चे एजुकेशन छोड़ देते थे। वो एजुकेशन का जो फैसिलिटीज़ मोदी साहब ने आनंदीबेन ने खड़ी की, तो वो ड्रॉप आउट रेशियो 22% से 1.5% होगा। तो मैंने असेंबली में इतना प्रशंसा की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, पहली सरकार है आज़ादी के बाद कि जिन्होंने गांव में रहने वाले बच्चों की चिंता की और एजुकेशन इतना बढ़ाया कि आज भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं।